वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज हम 9th क्लास की वर्कशीट 22 करने जा रहे हैं और 9th क्लास की वर्कशीट 2 में हमसे केवल दो ही क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो वर्कशीट है उसमें चार क्वेश्चन हमें बताए गए हैं। मैं उन चार क्वेश्चन को भी आपको समझाऊंगा। पहले जो वर्कशीट में जो क्वेश्चन दे रखे हैं आओ उसको हम समझ लेते हैं। देखो वर्कशीट जो 1 में जो पहला क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि हमें पी आर क्यू को निकालना है। मैंने यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 मान लिए हैं। अब आप ध्यान से देखो एक लाइन का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये 135 है तो ये कितने का होगा, 180 में से 135 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे आप ध्यान से देखिए ये भी एक लाइन बन रही है और 180 होता है लाइन का टोटल। अगर ये 110 का है तो ये कितने का आ जाएगा, 70 का आ जाएगा। और एक ट्राइंगल का टोटल कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो इन दोनों को एड करके 180 में से घटा देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ हिंदी में भी लिख दिया कि मैंने 1 और 2 को आंतरिक कोण मान लिए हैं। ठीक है, आंतरिक कोण मानने से ऐसा क्या होता है कि हमारा टाइम काफी बच जाता है, हमें पूरी पूरी जो वर्ड है वो नहीं लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो एंगल 1 ध्यान से देखिए, एंगल 1 प्लस 135 180 डिग्री का होगा, लीनियर पेयर होगा। तो आप एंगल 1 निकाल लीजिए, एंगल 1 आपका कितना आ गया, 180 में से 135 आप माइनस कर दीजिए तो आपको 45 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान से देखिए ये भी एक लाइन बन रही है, मैंने अभी आपको समझाया था। तो अब एंड लिख लीजिए, तो एंगल 2 प्लस 110 बराबर 180 डिग्री होगा। यहां पर भी आपको सेम उतार देना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ लीनियर पेयर, हिंदी में राखी लिखूँ। तो एंगल 2 कितने का आ गया, 180 माइनस का 110 हो गया, ये आपका 70 डिग्री आ गया। कितने का आ गया, 70 डिग्री का आ गया। अब ध्यान से देखिए ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों, ट्राइंगल। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस, इसका नाम हमने कुछ नहीं माना क्योंकि हमें निकालना था, तो मैंने कहा वही नाम लिख देता हूँ, पी आर क्यू। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लिख रहे हैं 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ लिख देता हूँ पूरा, एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी हिंदी में क्या लिखेंगे, त्रिभुज आप यहां लिखेंगे हिंदी में वाले। ठीक है, मैं रफ में आपको ऊपर लिख के दे रहा हूँ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, समझ गए ना सब। तो इस तरीके से अब आप बताइए एंगल 1 आपने कितने का निकाला है, ध्यान से बताइए एंगल 1 कितने का निकाला आपने, 45। एंगल 2 आपने कितने का निकाला है, 70। और पी आर क्यू इज इक्वल टू 180, तो पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 में से माइनस कर देंगे, 115 माइनस कर देंगे। ठीक है, अब 180 में से पहले 65 आ गया, मतलब कहने का मैंने ऐसे करा है, 180 में से 115 घटा दी, 7 में से 65 डिग्री आ गए। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको पहला क्वेश्चन क्लियर कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक पेज ये हो गया और एक पेज आपका ये हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाते हैं। देखो बच्चों ध्यान से, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो पी क्यू है पैरेलल है एसटी के। मैं आपको क्वेश्चन को दिखा देता हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको रफ में थोड़ा समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ध्यान से देखो ये जो लाइन इसके पैरेलल है, तो ये एक जेड बन रहा है। ध्यान से देखो ये जेड बन रहा है, और हमने पिछली वर्कशीट में सीखा था जब जेड की शेप बनती है जिसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं, उनको जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर ये एक्स प्लस 25 है तो ये बराबर 65 के होगा, तो आप 65 में से 25 लेस कर दोगे तो आपका एक्स निकल आएगा। तो आप जब लेस करोगे तो आपको 40 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो ये ट्राइंगल बन रहा है ना, ये 90 डिग्री होता है, ये 40 दे रखा है, तो आपको ये आंसर निकल आएगा। ठीक है, जैसे 90 और 40 को आप जोड़ोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 130। 130 180 में से लेस कर दोगे तो आपको 50 आ जाएगा। ठीक है, आओ एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है, अब आप कैसे करोगे, एक्स प्लस 25 इज इक्वल टू 65, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये आपको शॉर्ट पे नहीं लिखना, पूरा पूरा लिखना है। यहां मैं लिख देता हूं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हिंदी में अंतः एकांतर कोण। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए, देखो डिग्री लगाना मत भूलना, अगर आप डिग्री नहीं लगाते तो आपके नंबर कट जाते हैं। तो 65 में 25 हो गया, 40 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 40 डिग्री। अब आ जाओ इन ट्राइंगल पी क्यू एस। जब आप इस ट्राइंगल में पी क्यू एस में आओगे तो ध्यान देखो इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री लिख दिया, ये एक्स है, ये वाई है, इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो यहां पर भी आप क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। और एंगल सम प्रॉपर्टी का मैंने अभी आपको लिखवाया था, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और इंग्लिश में एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन से सेम उतार देना। अब मुझे बताइए 90 तो 90 है, और एक्स कितना निकाला हमने, 40 डिग्री। देखो डिग्री लगाना कहीं भी मत भूलना, ठीक है। वाई इक्वल टू कितना आ गया, 130 हो गया। ये दोनों प्लस के जाके माइनस हो गए, पहले प्लस कर दिया फिर माइनस कर दिया, कितना 50 डिग्री आ गया। इस तरीके से हमारा x भी निकल गया और हमारा y भी निकल गया। ठीक है, लास्ट में अभी लिख दिया करो, x कितना निकाला था 40 डिग्री और y कितना निकाला था 50 डिग्री। ठीक है, तो इसे लिखने से क्या होता है, थोड़ा सही रहता है। टीचर कहता है हाँ भाई, जैसे कई बार मिल नहीं रहा होता ना, एक्स कहाँ लिखा आपका, तो नीचे देखिए टीचर, हाँ भाई इस बच्चे ने सही करा हुआ। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको दोनों क्वेश्चन करवा दिए। अब हम वर्कशीट में जो हमें क्वेश्चन करवा रखे हैं वो कर लेते हैं। देखो बच्चों, वर्कशीट का क्वेश्चन कर लेते हैं पहला। उसमें बोला गया कि आपको प्रूव करके दिखाना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया, मैंने हिंदी में भी लिख दिया। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, एंगल एक, एंगल दो तथा एंगल तीन त्रिभुज एबीसी के आंतरिक कोण है, मतलब अंदर के कोण है। ठीक है, एंगल वन, एंगल टू एंड एंगल थ्री आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। फिर हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि इन तीनों का जो टोटल है वो 180 डिग्री होगा। फिर हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, मतलब रचना कर ली। हमने क्या करा, ये जो एम एन ए पैरेलल बी सी के ले लिया। ठीक है, और आगे लिख देना विच पासिस थ्रू ए, क्योंकि ये ए से पास हो रही है, जो ए से गुजरती है, जो ए से गुजरती है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ प्रूफ में। प्रूफ मतलब होता है हम आंसर करने जा रहे हैं, उपपत्ति करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से देखो, एंगल चार बराबर एंगल दो के होगा, होगा नहीं होगा, क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अंता एक अंतर कोण, पूरा पूरा लिखना आप। उसके बाद एंगल तीन बराबर पांच के होगा नहीं होगा, क्योंकि ये भी देखो जेड बन रहा है, अंत एक अंतर कोण होते हैं जो जेड बनाते हैं। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, चाहे सीधा बनाए या उल्टा बनाए। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये एक लाइन बन रही है और एक स्ट्रेट लाइन का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब आप लिखोगे एंगल वन, एंगल फोर, एंगल फाइव इक्वल टू 180 डिग्री होगा। आप 415 लाइन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबका टोटल तो 180 डिग्री है ना। आपको लिखोगे एम एन इज ए स्ट्रेट लाइन, एम एन इज ए स्ट्रेट, एस टी आर ए आई जी एस टी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हिंदी में वाले क्या लिखेंगे, एम एन एक सरल रेखा, एम एन एक सरल रेखा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, चार दो के बराबर है, तीन पांच के बराबर है। इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको हमने सेकंड मान लिया, इसको हमने थर्ड मान लिया। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, आपके लिखोगे समीकरण एक दो तीन से, समीकरण एक दो तीन से। अब ध्यान से देखो, एक जो है ना वो किसी के बराबर नहीं है, नहीं है ना, तो आपने एक का तो एक ही लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान से देखो, ये जो चार है ना, जो चार है ये किसके बराबर है, दो के बराबर है। तो हमने चार की जगह क्या लिख दिया, दो लिख दिया। और ऐसे ही आप ध्यान देखिए, जो पांच है वो किसके बराबर है, तीन के बराबर है। तो हमने पांच की जगह तीन लिख दिया। इस तरीके से हमारा 180 डिग्री आगे नहीं आ गया। और ये देखो एक दो तीन, हमें यही लाना था ना, एक दो तीन 180 डिग्री, आप लास्ट में लिख दोगे। ठीक है, इस प्रकार सिद्ध हुआ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हैज प्रूव्ड अ सम ऑफ ट्रायंगल ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, ये आपकी वर्कशीट में क्वेश्चन था, ये आपको करना नहीं है, समझाने के लिए मैंने बताया। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो कोई भी क्वेश्चन आएगा, वो ये थोड़ी देखिए वर्कशीट में जो क्वेश्चन है खाली वही करोगे आप। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैंने समझा दिया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, जो सेकंड क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा आप मुझसे पूछिए। तो अभी जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें बोला एक्स और वाई आपको निकालना है, आपको एक्स निकालना है और आपको वाई निकालना है। आपको क्वेश्चन मार्क है एक्स निकालना और वाई निकालना। आप ध्यान से देखो, यहां से देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, आपको ना फिगर को पहचानना होगा। ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये 40 का है, ये 90 डिग्री का है, तो एक्स कितने का होगा। सबसे पहले आप लिखोगे इन ट्रायंगल क्यू टी आर, क्यू टी आर। ठीक है, तो आप लिखोगे 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया। तो आप यहां लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी, हिंदी में क्या लिखोगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर किसी को स्पीड तेज लग रही है ना, तो YouTube में तीन डॉट होते हैं, उससे स्पीड धीरे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका 50 डिग्री आ गया, ये आपका कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। अब आपको y निकालना है। अब आप ध्यान से देखो, y के लिए कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं, कौन सा तरीका अपना, इसे y निकाल जाए। ध्यान से देखो, ट्रायंगल को देखो आप, ये ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ रफ में बुलाता हूँ। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको वर्कशीट के क्वेश्चन करवा रहा था, कि अंदर वाले दो जो एंगल होते हैं उनका टोटल बाहर वाले के बराबर होता है ना। तो बस वही कर देंगे,
एंड और डिग्री लगाना मत भूलना कहीं भी, अगर आप डिग्री नहीं लगाते तो आपके नंबर कट जाएंगे। एंड तो आप ध्यान से देखो वाई बराबर किसके होगा, 30 प्लस 50 के। क्यों होगा, पहले आपने लिख देना इंटर एंगल पी आर, और यहाँ पर आपकी वर्कशीट में जो नाम दिया होगा वही आप लिख लेना, ठीक है। तो मैं इसको टी, इसको मैं एम मान लेता हूँ, ठीक है। तो जो दे रखा होगा वही नाम लिख लेना, तो वाई इक्वल टू 30 प्लस 50, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्या लिखोगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। पूरा पूरा लिखना बाहें कोण नियम द्वारा, यहां लिख देता हूं मैं बाहें कोण नियम द्वारा, ठीक है। ये पूरा पूरा यहां पर आप लिख लेना, तो आपका ये आंसर कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। इस तरीके से मैंने आपको वर्कशीट के क्वेश्चन भी करवा दिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, ये जो मैंने पहला बताया था, ठीक है। हालांकि ये आपकी वर्कशीट में पूरा सॉल्व करा हुआ है, पूरी स्टेटमेंट लास्ट में जरूर लिखना, ठीक है। और सेकेंड जो पार्ट है ये क्वेश्चन है, ये भी सॉल्व किया हुआ वर्कशीट में, फिर भी मैंने करवा दिया ताकि वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करूंगा आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। और आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।